हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हम हैं अपनी क्रोएशिया की रोड ट्रिप पे एंड इस रोड ट्रिप की हम शुरुआत करेंगे विद दिस अमेजिंग सिटी ऑफ डुब्रोवनिक। सो कम अलोंग। किसी भी सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए बेस्ट तरीका होता है ऑन फुट, जो हम भी करेंगे डुब्रोवनिक को एक्सप्लोर करने के लिए। बट इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम आए यहाँ की बस से। द बस नेटवर्क इज वेरी वेल स्प्रेड आउट एंड इफ यू बाय द टिकट फ्रॉम अ कियोस्क लाइक दिस, ये थोड़े से चीपर भी पड़ते हैं। अदरवाइज आप बस ड्राइवर से भी टिकट ले सकते हैं। हमारे लिए सिटी सेंटर था 15 मिनट दूर। डुब्रोवनिक की इंफॉर्मेशन के लिए आप जा सकते हैं इस इन्फो पॉइंट पे, जो सिटी वॉल्स के जस्ट बाहर है। I got it. We got a lot of information. These guys were very helpful. So, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके चलिए एक्सप्लोर करते हैं डुब्रोवनिक। सो चलिए चलते हैं डुब्रोवनिक की वॉल सिटी के अंदर। वॉल्स एंटर करते ही है एक और इन्फो पॉइंट, जहां से हमने लिया अपना 24 आवर डुब्रोवनिक पास एंड बढ़े सीधा वॉल की तरफ। यू मस्ट कम हियर, वन बिकॉज आप चल रहे होंगे ऑन द वॉल्स जो एग्जिस्ट करती हैं फ्रॉम द 13th सेंचुरी, एंड सेकेंडली बिकॉज द व्यूज फ्रॉम हियर आर सिंपली अमेजिंग। एंड अगर आपको ये व्यूज एंजॉय करने हैं तो आप ले सकते हैं पिट स्टॉप वॉल पे बने ऐसे कुछ कैफेज पर। ये है वॉल की साउथ साइड, जहां से मिलते हैं आपको व्यूज ऑफ द एड्रियाटिक सी। सो अगर आप पूरी वॉल को कवर नहीं करना चाहते हैं तो देन देयर आर 3 मार्क्ड एग्जिट्स आल्सो, जहां से आप उतरकर वापस सिटी सेंटर जा सकते हैं। बट हमारा प्लान है पूरी वॉल को कवर करना, सो आई विल टेक अ राइड फ्रॉम हियर। इस वॉल की टिकट में इस मैरिटाइम म्यूजियम का टिकट भी इंक्लूडेड था। ये है नॉर्थ साइड, जहां से मिलते हैं इनक्रेडिबल व्यूज ऑफ द ओल्ड टाउन एंड रेड रूफ्ड हाउसेस। फन फैक्ट, व्हेन इन डुब्रोवनिक आपको पानी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू हैव मेनी ऑफ दीज फाउंटेन्स जहां से आप पानी भर सकते हैं, सो डू कैरी एन एम्प्टी वाटर बॉटल अलॉन्ग विद यू। दिस वाटर इज सो कोल्ड एंड सो रिफ्रेशिंग। And by the way, ये फाउंटेन मेडिवल टाइम से काम कर रहा है, इमेजिन। द फर्स्ट स्ट्रीट इनसाइड द सिटी वॉल्स इज दिस, एंड ये नजारा है सुबह के 8 बजे का। बट वेरी सून ये स्ट्रीट भी भर जाएगी विद अदर ट्रेवलर्स लाइक अस। डुब्रोवनिक की वॉल सिटी के अंदर में ये है मेन स्ट्रीट, जिसे स्ट्राडून भी बोलते हैं। एंड इस स्ट्रीट के दोनों तरफ हैं गेट्स, जिनसे आप इस सिटी के अंदर और बाहर जा सकते हैं। मेरे पीछे जो आप गेट देख रहे हैं वो छोटा दिख रहा है, बट वो छोटा इसलिए नहीं दिख रहा बिकॉज वो बहुत दूर है। वो छोटा इसलिए दिख रहा है बिकॉज सिटी को डिज़ाइन करते टाइम उसे छोटा बनाया गया था, जस्ट टू क्रिएट एन ऑप्टिकल इल्यूजन, जिसकी वजह से ये सिटी बड़ी दिखे। अगर आप थोड़ा क्लोजली देखेंगे तो जो स्ट्रीट्स मेरे पीछे देख रहे हैं वो भी आपको नैरो होती हुई दिखेंगी। दैट वॉज ऑल्सो डेलिबरेटली डन टू सपोर्ट द सेम ऑप्टिकल इल्यूजन, है ना अमेजिंग। इफ यू आर वंडरिंग कि ये हमें कैसे पता चला, वेल सो ऐसे फन फैक्ट्स एंड सिटी की हिस्ट्री को जानने के लिए हम रेकमेंड करेंगे वॉकिंग टूर्स, जो हम अक्सर अपनी हॉलीडेज पे लेते हैं टू गेट अ फील ऑफ द प्लेस। आफ्टर द वॉकिंग टूर हमने वॉन्डर किया यहाँ की मिडीवल स्ट्रीट्स में, एंड हमें ये सिटी बहुत चार्मिंग लगी। वेल ये सिटी भी एक हिल पे है, सो एज यू कैन सी यहाँ पे काफी चढ़ाई है। अगर आप यहाँ की बाइलेन्स को देखेंगे सो यू विल सी दिस एंडलेस स्टेयर्स। So do wear comfortable walking shoes to go up and down these streets, क्योंकि वहाँ मिलेंगे आपको और interesting cafes, restaurants and boutique shops, and उन्हीं के बीच में residents के घर।
सो यहाँ का अप एंड डाउन एंड यहाँ की नैरो स्ट्रीट्स मेरे को याद दिलाती है टस्कनी की। क्या आपने हमारी वो सीरीज देखी है? डू चेक इट आउट। डुब्रोवनिक इज फुल ऑफ चार्मिंग स्ट्रीट्स लाइक दिस एंड टू मेंटेन दिस लुक यहाँ पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल द शॉप्स कैनॉट यूज बिल बोर्ड्स, rather they use these traditional lanterns to display their names. जब आप इन lanterns को देख रहे हो तो जरूर ढूंढिएगा वो lantern जिस पे लिखा हो Holy Burek, क्योंकि यहाँ मिलती है एक local speciality Burek, जो आप देख सकते हैं fresh बनते हुए अपनी आँखों के सामने। This is essentially a kind of puff pastry filled with meat, cheese or vegetables. Yes. It was really yummy. Do try it. So, अब हम जा रहे हैं यूरोप की थर्ड ओल्डेस्ट फार्मेसी को देखने के लिए। ये फार्मेसी है एक मॉनेस्ट्री कंपाउंड में एंड इज इन ऑपरेशन सिंस 1300s. Yes, from then even till today. Amongst other things, Dubrovnik famous है Game of Thrones fans के लिए, क्योंकि many scenes were shot here, like ये, the famous Walk of Shame staircase. So, जैसा कि आपने देखा होगा कि इन सिटी वॉल्स के अंदर में बहुत सारे कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स हैं। मेन स्ट्रीट इज फुल ऑफ सच रेस्टोरेंट्स एंड मेन स्ट्रीट ही नहीं, ऐसी बाई लेन्स में भी आपको काफ़ी सारे ईटिंग आउट ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऐसी ही एक बाई लेन में हम आए हैं अपने टूर गाइड की रिकमेंडेशन पे एक इटालियन रेस्टोरेंट। सो ट्राई करेंगे कि ये कैसा होता है। हमारा टोमेटो चीज पेक, पेस्टो पास्ता एंड लेमन आइस टी मेड फॉर अ परफेक्ट लंच। फूड वाइज अपार्ट फ्रॉम लोकल क्विजीन आपको यहाँ पे मिलेंगे काफ़ी इटालियन रेस्टोरेंट्स और रेस्टोरेंट सर्विंग मेडिटेरेनियन क्विजीन। एंड ट्रस्ट मी, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। एज नो मैटर वेयर यू आर इन द सिटी, यू विल ऑलवेज हैव अ कैफे और रेस्टोरेंट नियर बाय। सिटी वॉल्स के अंदर आप जा सकते हैं इस चर्च में। अनदर फेमस प्लेस इज दिस पब्लिक बिल्डिंग, जिसके अंदर का टिकट भी आपके डुब्रोवनिक पास में इंक्लूडेड है। एंड इसी बिल्डिंग के बगल में है दिस क्लॉक टावर। एंड ऑन अ हॉट समर डे, हाउ कैन वन मिस जेलाटो। दिस इज सो यम्मी। सिटी वॉल्स के ईस्ट एंड पे है यहाँ का ओल्ड पोर्ट, जहाँ से आप ले सकते हैं फेरीज टू द नियर बाय आइलैंड्स। सो डुब्रोवनिक की सिटी तो हो गई, बट व्हाट अबाउट द बीचेस एंड आइलैंड्स? वेल, बीचेस एंड आइलैंड्स को कवर करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन इज टू टेक अ कंडक्टेड टूर, जिसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं डुब्रोवनिक में। द सेकंड ऑप्शन इज टू गो टू द लोकरम आइलैंड यूजिंग दीज फेरीज, विच इज अ क्विक 10 मिनट राइड। एंड द थर्ड ऑप्शन इज टू एक्सप्लोर द बीच साइड ऑफ डुब्रोवनिक इटसेल्फ। सो चलिए दिखाता हूँ आपको इंटरेस्टिंग बीच एरियाज ऑफ डुब्रोवनिक। डुब्रोवनिक की सिटी बीचेस में से एक बहुत ही फेमस बीच है, जो कि है सनसेट बीच, जो आती है यहाँ के लापड रीजन में एंड जो हमारे एयरबीएनबी से कुछ 10 मिनट की वॉकिंग पे है। सो चलिए लेट्स एक्सप्लोर कि हाउ इज द सनसेट बीच। मेन रोड से बीच पे जाने के लिए आप जाते हैं थ्रू दिस प्रोमेनाड, विच इज लाइंड विद पाम ट्रीज, कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स। This is also nice to come to in the evening, अगर आप इस एरिया में रुके हुए हैं।
सनसेट बीच है डुब्रोवनिक के वेस्ट साइड में एंड इज ओनली 2.5 किलोमीटर्स फ्रॉम द ओल्ड टाउन. इट इज अ वेल क्योर्ड बीच एंड यहाँ पे आपको बीच बेड्स एंड कबानास मिल जाते हैं रेंट पे. एंड यू नो व्हाट, आप ये बीच बेड्स फ्री में यूज कर सकते हैं 4 बजे के बाद. इट्स नॉट द पीक समर सीजन हियर इन डुब्रोवनिक बट स्टिल द वाटर इज स्टिल वार्म इनफ फॉर यू टू रियली एंजॉय अ स्विम. एंड आफ्टर योर स्विम आप ले सकते हैं एक ड्रिंक फ्रॉम द बीच रेस्टोरेंट्स एंड एंजॉय कर सकते हैं यहाँ का सनसेट. अ मस्ट डू इन डुब्रोवनिक इज द आइलैंड टूर्स. हम गए टू द एलिफिटी आइलैंड्स जो है अ ग्रुप ऑफ दीज 3 आइलैंड्स. हमारे टूर में इंक्लूडेड था पिकअप फ्रॉम द होटल व्हिच गॉट अस टू दिस फेरी पॉइंट एंड वी वर रेडी टू बोर्ड द फेरी एंड हेडेड स्ट्रेट फॉर द अपर डेक. दिस वॉज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टूर. इसमें पिकअप, ड्रिंक्स एंड लंच भी इंक्लूडेड था. एंड हियर वी आर एट द फर्स्ट स्टॉप ऑफ आवर टूर. The island of Lopud. We headed straight to the 15th century monastery, जो है at a 10-minute walk from the port, and यहाँ से views were very nice. So ये है Lopud, जो कि इन 3 islands का सबसे prominent island है, also known for its sandy beaches. बट लेट मी टेल यू एक इंटरेस्टिंग जगह जो कि है मॉनेस्ट्री के एकदम पास में, जहां आप आ सकते हैं अगर आपको एक क्वाइटर स्विम एंजॉय करनी है. मॉनेस्ट्री के बाद हमने की थोड़ी सी वॉक इसकी स्ट्रीट्स में एंड चलते चलते वी केम अक्रॉस दीज बोटानिकल गार्डन्स. हमने यहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया क्योंकि हम जाना चाहते थे यहाँ की सैंडी बीच. फॉर दैट We took this electric cart from the main street and within a few minutes hum pahunch gaye Sunj Beach. So this is the sandy beach of Lopud jo main aapko pehle bol raha tha. Ek quick swim ke baad humne li fir se ye taxi and pahunche wapas apni boat pe jahan hamara wait kar raha tha ek delicious lunch jo ki inhone fresh on the boat hi cook kiya tha. And both the veg and non-veg preparations were very nice. And हमारे साथ इन birds ने भी lunch enjoy किया, thanks to our hostess. So this is the island of Shipan. And Shipan एक old fisherman village है. And because ये mainland से थोड़ा सा दूर है, it is quite untouched. Interestingly, आपको यहाँ पे काफी locals मिलेंगे. Selling wine and olive oil. And soon we were back on our boat, and this time everybody was in very high spirits. Dancing all the way, hum pahunche apne next island pe. So ye hai Olochep, hamare boat tour ka last stop. सो डुब्रोवनिक की परफेक्ट आइटनरी क्या है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, बट होपफुली हमारा डुब्रोवनिक के सिटी का एक्सपीरियंस एंड डुब्रोवनिक के बीच का एक्सपीरियंस एंड डुब्रोवनिक के अराउंड आइलैंड का एक्सपीरियंस आपको पसंद आया होगा. मिलेंगे आपसे अब अगले एपिसोड में. सो टिल द टाइम वी मीट अगेन, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू वेरी वेरी सून.